बाद मैं NXYFF की तरह मोस्टर ट्रक ब्लास्ट वाला सोर्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा एकदम इजी तरीके से। बट उससे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लो। तो प्रीव्यू देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का रेडी टू रोल कितना तगड़ा होने वाला है। बट आपने वीडियो को हल्का सा भी स्किप किया तो आप ऐसे शॉर्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको फ्री फायर में आकर अपने दो फ्रेंड को इनवाइट कर लेना है, फिर उसके बाद क्राफ्ट लर्न वाले ऑप्शन में जाना और इस कोड को सर्च कर लेना। ये कोड आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो भी वीडियो में लगने वाला है, तो उसकी चिंता आप मत करना। फिर गेम को कर देना फटाफट स्टार्ट। कुछ देर बाद आपको वेंडिंग मशीन दिखेगी, तो अपने फ्रेंड को कहना गन ले ले और आपको गन नहीं लेनी है। फिर उसके बाद करना है आपको ऊपर ग्रीन रंग का ऑप्शन शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना 148 और अपने फ्रेंड को भी कहना ये पासवर्ड डालने के लिए। और फिर उसके बाद दोबारा से ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके कैप्टन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आप कैप्टन पे डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने फ्रेंड को भी ऐसे करके कहना और वो भी कैप्टन पे डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाएगा। और फिर अपने फ्रेंड को ढंग से समझा देना कि उसको क्या करना है, खड़े कर देना उसको यहाँ पर और कहना जैसे ही मैं आऊंगा ना रनिंग करते हुए और फिर उसके बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो तुम दोनों को लोल इमोट या फिर कोई सा भी इमोट मारना है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर आप खड़े रहना, फिर उसके बाद आप इमोट मारना जो सा भी इमोट है आपके पास, मैंने ये वाला इमोट मारा है। और फिर उसके बाद कुछ सेकंड तक खड़े रहना और फिर अपने रिकॉर्डर कर देना और अपने फ्रेंड को थोड़ा पास खड़ा करना। मैंने कुछ ज्यादा ही दूर खड़ा कर दिया है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा पास अपने फ्रेंड को खड़ा करना। तो अब जो भी एडिटिंग हुआ कैपकट के अंदर करेंगे, तो फटाफट आ जाओ कैपकट के अंदर, जो हमने क्लिप रिकॉर्ड की थी उसे कैपकट में ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद इसके लास्ट में आ जाना और जो कैपकट वाला ऐड है ना इसे डिलीट कर देना। और डिलीट करने के बाद वीडियो के शुरुआत में आना, नीचे रेशियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 9.6 रेशियो सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को जूम कर लेना जितना मैं जूम कर रहा हूँ। अपने वीडियो को प्ले करके देखना जहाँ पर आप यहाँ पर रनिंग करते हुए जाते हो दौड़ते हुए, और फिर उसके बाद जैसे आप खड़े हो जाते हो ना वहीं से ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना जिस पे लिखा हुआ है अब क्या करेगा, और इसे छोटा करके अच्छे तरीके से एनिमी के हेड के पास अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और इसकी लेंथ ज्यादा लंबी है तो क्या करूंगा इसे 2 सेकंड के आसपास रखना है, तो थोड़ा सा क्रॉप कर दिया मैंने इसे। और क्रॉप करने के बाद इसके शुरुआत में आऊंगा, नीचे स्क्रॉल करके मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, देन फर्स्ट वाला सिलेक्ट करके अपने दोनों उंगलियों से कुछ इस तरीके से रोटेट कर लूंगा और फिर इसे नीचे ले आऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसके बाद वहीं पर एक की फ्रेम ही लगाना और उसके जस्ट थोड़ा सा आगे दूसरा की फ्रेम ही लगाना और इसको थोड़ा सा इस तरीके से अपनी उंगली से कर देना, और फिर उसके बाद यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके लास्ट में आना, एक की फ्रेम ही लगाना और फिर उसके बाद दूसरा की फ्रेम मिला के वापिस से जैसा पहले था ना ये लाइनिंग नीचे के साइड में लाइनिंग ला के जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर देना और फिर राइट कर देना, तो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसके 1 सेकंड बाद यानी कि टोटल देखो तो यहाँ पे 9 सेकंड पर मैं कटआउट मारूंगा और फिर आगे स्क्रॉल करूंगा कि मेरा इमोट वाला पार्ट कहाँ पर है, तो गाइज यहाँ पर मेरा करेक्टर इमोट मार रहा है, तो जैसे ही गोला हटता है ना वैसे वहां पर एक कटआउट मारना है और पीछे वाला पार्ट को कर देना है डिलीट, ठीक है। थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा सा और क्रॉप कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा करेक्टर इमोट मारेगा और फिर उसके बाद मोशन ट्रक ऊपर से लैंड करेगा नीचे। तो कटआउट के जस्ट थोड़ा सा आगे ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मोशन ट्रक वाला ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रोमा की पे क्लिक करना और ग्रीन कलर को ना ऊपर वाले ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना, जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ उतना ही इंक्रीज करना, फिर कर देना राइट। फिर आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर देना जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपने करेक्टर के जस्ट थोड़ा सा बगल में, इसे एडजस्ट करने के बाद और रिमूव बैकग्राउंड पे दोबारा से क्लिक करें, क्रोमा की पे क्लिक करना और इसे इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है, और फिर कर देना राइट। मैंने कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर दिया था इसलिए अब इस ग्रीन स्किन के यहाँ पे शुरुआत में की फ्रेम मिलाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा आगे दूसरा की फ्रेम मिलाऊंगा और फिर पहले वाले की फ्रेम में पे जाके मोशटर को हवा में उछाल दूंगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे थोड़ा सा प्ले करोगे ना तो ऊपर से ये लैंड होगा नीचे, तो थोड़ा स्लो लैंड हो रहा है, तो क्या करूंगा इन दोनों की फ्रेमिंग के बीच में की फ्रेम मिलाऊंगा और इस लास्ट वाले को रिमूव करके इसे अच्छे तरीके से जॉइंट पे दोबारा से एडजस्ट कर दूंगा और फिर आप प्ले करके दिखाता हूँ। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर हो चुका है, तो जैसे ही जब इन पर टच होता है ना तो वहीं से ऐड वाले पर क्लिक करके ग्रीन स्किन को ऐड कर लेना इस वाले को, ठीक है, और ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो दिक्कत मत लेना। फिर अगर ना इसके नीचे स्क्रॉल करके रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रोमा की पे क्लिक करना और ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना जितना मैंने इंक्रीज किया, और फिर उसके बाद अगर ना जैसे व्हाइट व्हाइट पूरा हो जा रहा है ना तो वहां तक क्रॉप कर देना, और क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा सिलेक्ट करके आगे की ओर ले आना, और आपको इसको मोशन ट्रक के नीचे के साइड में अच्छे तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना और आपको आगे के साइड में एक लेयर्स का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना,
देन क्या होगा, मोशन ट्रैक के जस्ट ये पीछे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, इससे आप अच्छे तरीके से मोशन ट्रैक के नीचे एडजस्ट कर पाओगे। मोशन ट्रैक के नीचे इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, एक आपको मास्क का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना और आपको गोले के किनारे 2 एरो दिखेंगे, उसकी मदद से आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और फिर क्या करना है, इसके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और फैदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 3 इंक्रीज कर लेना, देन कर देना राइट, आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। और थोड़ा सा मैंने इसे और एडजस्ट किया जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आपको करना है, और एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ और फिर इसके बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। और आगे की एडिटिंग करने से पहले वीडियो को शुरुआत में आना, ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इसका मेन सॉन्ग ऐड कर लेना, और उसी की मदद से हम आगे की एडिटिंग कर पाएंगे। तो इस ऑडियो को आगे से थोड़ा क्रॉप करके इसे स्लाइड करके आइको ले आना और फिर वापस से मोशन ट्रैक वाले सीन्स पर आ जाना। और क्या करना, मोशन ट्रैक पर क्लिक करके इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हम, और फिर क्या करेंगे, पीछे जाएंगे थोड़ा सा, जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया था ना, तो उसके जस्ट 1-2 सेकंड के बाद, यानी कि टोटल देखो तो आप 12 सेकंड पर हमने एक और की फ्रेम भी लगाएंगे। और जस्ट इसके आगे थोड़ा सा एक और की फ्रेम लगाकर मोशन ट्रैक को थोड़ा सा हवा में ले आना, जिस तरीके से मैं ला रहा हूँ, और एक बार प्ले करके देखते हैं ये फास्टली हवा में जा रहा है फिर नहीं। तो थोड़ा स्लो जा रहा है, तो क्या करूंगा मैं इसे लास्ट वाले की फ्रेमिंग को हटा के जस्ट उसके थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम मिलाऊंगा और दोबारा इसे हवा में उछाल दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर गैप करके एक की फ्रेम लगाना और इसके जस्ट आगे एक और की फ्रेम मिलाकर इसे छोटा करके सामने के साइड में जहाँ पर एनिमी खड़े हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और कुछ देर के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दिया, और एडजस्ट करने के बाद आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फास्टली आपको यहाँ पर मोशन ट्रैक जाना चाहिए, ठीक है, और ना जाए तो की फ्रेमिंग को थोड़ा सा पास में लगाना, ठीक है। तो ये इतना की फ्रेमिंग लगाने के बाद थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेमिंग लगाना, फिर हल्का सा आगे एक और की फ्रेमिंग लगा के जहाँ एनिमी खड़े हैं उनके ऊपर इस मोशन ट्रैक को रख देना, फिर एक बार प्ले करके देखना। तो प्ले करने के बाद वीडियो थोड़ा ऑडियो के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रही, तो क्या करूंगा, शुरुआत में जाऊंगा और ऑडियो को थोड़ा सा और क्रॉप करूंगा आगे और स्लाइड करके, फिर एक बार प्ले करके देखेंगे। अब ऑडियो क्लिप के साथ मैच हो रही है, तो क्या करेंगे, मोशन ट्रैक जैसे जमीन में टच होता है ना, वहीं पर अपनी लाइनिंग को ले आना, फिर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर एक और ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेंगे जिसमें ब्लास्ट होता है, और फिर नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देना की फ्रेमिंग की मदद से, जैसे हम हर बार करते हैं, और फिर उसके बाद कर देना राइट, और फिर क्या करना, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एचएसएल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ग्रीन कलर को पूरा कम करके कर देना राइट, देन नीचे स्क्रॉल करके स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और 2x सेकंड करके राइट कर देना। अब इस ब्लास्ट वाले इफेक्ट को आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे मोशन ट्रैक जमीन में टच होता है वहीं से आपका ब्लास्ट स्टार्ट होना चाहिए, तो आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी देख कर अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। और फाइनली मेरा यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है, तो आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मास्क 3 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, और दोनों एरो की मदद से जिस तरीके से मैं एरो को कर रहा हूँ ना उसी तरीके से आपको भी करना है, लेकिन ये जो गोले वाली लाइन है ना वो आपके करेक्टर के जस्ट आगे रहना चाहिए, करेक्टर के अंदर नहीं आना चाहिए, देखो मेरा लाइनिंग कहाँ से जा रहा है, आपको भी वैसा ही रखना है। फिर एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फैदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे 3 इंक्रीज करके राइट कर देना, देन ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, तो जैसे ब्लास्ट हो जाता है ना तो वहां पर आपको एक कटआउट मारना है, और पीछे वाले क्लिप पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वापस से 1.0x कर देना और फिर राइट कर देना, क्योंकि शुरुआत में ना ब्लास्ट बहुत तेजी से होगा, फिर बाद में स्लो हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर इसी का एक कॉपी कर लेना और फिर स्लाइड करके इसके जस्ट नीचे ले आना, क्योंकि ब्लास्ट को हम थोड़ा और तगड़ा तरीके से दिखाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और फिर आगे वाले ब्लास्ट में भी क्या करना, कॉपी कर लेना और इसे अच्छे तरीके से इसके जस्ट नीचे एडजस्ट कर देना। तो ये ब्लास्ट वाला काम कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पहला मोशन ट्रैक था जस्ट उसके आगे आपको ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरा मोशन ट्रैक वाला ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना है, और फिर नीचे स्क्रॉल करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना इजिली की फ्रेमिंग की मदद से, और फिर इंटेंसिटी को जितना भी आप इंक्रीज करना चाहो कर सकते हो, मैंने आधा इंक्रीज किया, फिर ऐड कर देना। और फिर क्या करना, नीचे स्क्रॉल करके एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आना, एचएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका ग्रीन कलर पूरा कम कर देना और फिर कर देना राइट। तो ग्रीन कलर पूरा जड़ से खत्म हो चुका है, लेकिन अब क्या करना है आपको, हमें इस मोशन ट्रैक को ब्लास्ट के पीछे एडजस्ट करना है, तो नीचे स्क्रॉल करना, लेयर्स वाले ऑप्शन में आना और यहाँ पे एरो का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर दोगे तो ये मोशन ट्रैक ब्लास्ट के पीछे चला जाएगा। लेकिन अब क्या करना है आपको, ब्लास्ट जैसी होता है तो मोशन ट्रैक फट जाएगा ना, तो आपको थोड़ा क्रॉप कर लेना, जैसे फट जाता है ना मोशन ट्रैक
तो वहां तक आप, वहां से आपको आप मोशन तक यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, जिस तरीके से मेरा स्टार्ट हो रहा है। मैंने बाकी का पीछे आगे वाला पार्ट है जो क्रॉप कर लिया है, और फिर अगर आप इसे आगे की ओर स्लाइड करके ले आना, अब मैं थोड़ा सा आगे आके जैसे ब्लास्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर आप अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर देना एनिमी के जस्ट ऊपर, एनिमी बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, छोटा करके अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना। तुम्हारे ब्लास्ट वाला इफेक्ट तो बन चुका है, लेकिन मोशन ट्रक जब धुआं ऊपर जा रहा है ना तो लाइनिंग सी आ रही है, तो उस पर क्लिक करके मास्क वाले ऑप्शन में आ जाना और मास्क थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, और दोनों एरो की मदद से जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी एडजस्ट कर लेना, और फेदर वाले ऑप्शन में आके इसको भी 3 करके राइट कर देना, और फिर इसके ऑडियो वाले ऑप्शन में आ जाना और जितना भी बेकार पार्ट है ग्रीन स्क्रीन उन सबको कटआउट करके डिलीट कर देना, फिर से हाई क्वालिटी पर एक्सपोर्ट कर लेना। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, 2 इंपॉर्टेंट काम बाकी है, तो न्यू प्रोजेक्ट बना के दोबारा से इसे ऐड कर लेना। तो सबसे पहले अपनी क्लिप पर क्लिक करके एडजस्ट वाले ऑप्शन में आके अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर लेना, जो आप हर एक वीडियो में करते हो। आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, तो मैंने फास्टली आपको करके दिखा दिया है, और आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। और फिर उसके बाद आगे आ जाना जहां पर ब्लास्ट वाला इफेक्ट हमने लगाया था, ब्लास्ट जैसे स्टार्ट हो रहा हो हल्का सा आपको ब्लास्ट दिखेगा, तो जस्ट वहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहीं पर अगर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना और सेक वाला इफेक्ट ढूंढ लेना, आप ना मिले तो सर्च भी कर लेना इजीली। और फिर मैं सेक वाला फटाफट इफेक्ट लगाकर राइट कर देता हूँ। फिर इसके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में आकर स्पीड को तो मैं इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन इंटेंसिटी को आपको रखना है 13, और 13 करने के बाद, और फिर अगर ना ये सेक वाला इफेक्ट है ना, इसे पूरा एंड तक मत रखना, जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है ना तो वहीं तक रखना, मैं क्रॉप करता हूँ फटाफट, और फिर इसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और देन इसको फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले आपको बताता हूँ ये सारा मटेरियल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पहुंच जाऊंगा, और आपको सर्च करना है ब्लास्ट इफेक्ट, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, मोशन ट्रक सब कुछ मिल जाएगा। इन सबको डाउनलोड करके फटाफट इसे गैलरी में सेव कर लेना, और फिर अपनी वीडियो को बनाना, देन वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके फाइनल रिजल्ट आप देख लो। Something's creeping closer. There's no one left to find you.